सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफ़ान खान आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक ज़रूर सुनना, और बहुत ही कमाल की मोटिवेशन स्टोरी है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। और अब वहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो लड़का पेट्रोल भर रहा होता है, जब वो लड़का उस गाड़ी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस लड़के से बोलता है कि 2000 का पेट्रोल इसके अंदर भर दीजिए। अब वो लड़का उस गाड़ी में पेट्रोल तो भर रहा होता है, लेकिन वो गाड़ी को देखता रहता है। अब उसका जो मालिक है उस लड़के को देखता है और उससे बोलता है कि क्या सोच रहे हैं आप। तो वो लड़का जवाब देता है कि सर, ये गाड़ी जो है वो मेरी ड्रीम कार है। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूं, मेहनत करने के बाद मैं भी इस तरह की गाड़ी खरीदूं। सर, ये मेरा एक सपना है, मैं इस गाड़ी को ख़रीदना चाहता हूं। अब वो जो मालिक होता है वो अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और उस लड़के को देता है और बोलता है कि अगर आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझसे मेरे ऑफिस में आन के मिलें और मैं आपको बिजनेस करने का तरीका बताऊंगा, और आपने अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो कुछ सालों के बाद में इसी तरह की गाड़ी आपको मिल सकती है, आप परचेस कर सकते हैं। अब इतना कह के वो जो मालिक होता है गाड़ी का, वो अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। अब वो लड़का सोचता है कि जो मुझे विजिटिंग कार्ड दे के गया है, कहीं ये फेंक तो नहीं है, अगर मैं इसके पास में जाता हूँ कहीं ये मेरे साथ में फ्रॉड तो नहीं कर देगा। आजकल टीवी पे मैं देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, अगर मैं जाऊँगा कहीं मेरे साथ में उल्टा सीधा नहीं कर दे, क्या मुझसे काम करवाएगा। अब उसके मन में जो होता है वो एक भ्रम, एक शक पैदा हो जाता है, और इसी शक की वजह से वो जो विजिटिंग कार्ड होता है वो उसको डस्टबिन में फेंक देता है। लगभग 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर उसी तरह की एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी आकर फिर खड़ी होती है। अब जब वो लड़का उस मर्सिडीज को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये तो मेरी ड्रीम कार है। लेकिन इस बार उस गाड़ी से जो मालिक निकलता है वो कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो चेंज होता है। अब वो 2000 का नोट देता और बोलता कि इसके अंदर पेट्रोल भर दीजिए। अब वो लड़का पेट्रोल भर रहा होता है और उस गाड़ी को देख रहा होता है। अब उसका जो मालिक होता है वो उसको बोलता है कि शायद आपको याद होगा कि आज से लगभग 3 साल पहले इसी तरह की एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी आपके पेट्रोल पंप पर आई थी। बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन आपको कैसे पता? बोला, आपको ये भी याद होगा कि उसने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था और उसने बोला था कि आपको मेरे ऑफिस में आन के आप मुझसे मिले। तो बोला, आपको कैसे मालूम है? तो वो व्यक्ति बोलता है, जो मालिक होता है गाड़ी का, वो ये बोलता है कि मैं इस पेट्रोल पंप पर सफाई कर्मी की नौकरी करता था, और जब वो विजिटिंग कार्ड आपको दे के गया था और आपने डस्टबिन में फेंक दिया था, तो विजिटिंग कार्ड वो मैंने उठा लिया था और मैंने एक उसको अपॉर्चुनिटी समझ के, एक मौका समझ के अपने पास में रख लिया था, क्योंकि मेरा भी सपना था और मुझे लगा था कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को अगर मैं गवा देता हूँ तो मैं लाइफ में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ। मैंने उस विजिटिंग कार्ड को लिया और उसके एड्रेस पर पहुँच गया उससे मिलने के लिए। अब उस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस करने का तरीका बताया और मैंने पूरी ईमानदारी से, जी जान से मेहनत की, और आज 3 साल के बाद में ये मर्सिडीज जो वैन है वो मेरी है। फिर वो लड़का बोलता है कि काश 3 साल पहले आपने उस मौके को नहीं गवाया होता और आपने मौके को पहचान लिया होता तो ये मर्सिडीज वैन आपकी होती, लेकिन आपने मौके को गवा दिया और मैंने मौके को, अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया और आज ये मर्सिडीज वैन मेरी है। तो ठीक सेम उसी प्रकार से जब भी किसी इंसान की लाइफ में, ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है, तो लोग उसको शक की नज़र से देखते हैं।
तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई मौका आए, तो आप उसको खुले मन से, खुले दिल से एक बार उसको ज़रूर समझें। समझने के बाद आप उस पर मेहनत करें, आपकी लाइफ में ज़रूर परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक सुनहरा मौका हो सकता है। आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने मौके को पहचान लिया तो आने वाले टाइम में के सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आपने शक की नज़र से देखा तो आप उसी तरह से, उस लड़के की तरह अपने इस मौके को गवा देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।